क्या प्लान है आज का हमारा? आज तो प्लानिंग तो हो रही है, काफ़ी चल रही है और आज का मैच का दिन भी है तो थोड़ा सा रिलैक्स कर रखा है सब लोगों को कि मैच से पहले थोड़ा सा रिलैक्स आए और कोशिश यही है कि जितना रिलैक्स आएंगे उतना अच्छा करेंगे मैच में। और सबको एक मैसेज भी यही है कि इधर फोकस ऑन द मैच एंड बी रिलैक्स एंड एंजॉय। तो अभी आपके साथ हम चाहते हैं थोड़ा सा टूर कर लें यहाँ पे क्योंकि आप भी कुछ दिन मुंबई में हमारे हैं। तो ये एक सबसे बड़ी मोटिवेशन तो यही है कि पहले 14 साल में क्रिकेट खेला और उसमें फाइनल में हम पहुँचे, फाइनल वाला मैच का फोटो है हमारा और उसमें मैंने इतना बहुत ख़राब लग रहा था कि मुझे खुशी भी बहुत हो रही थी कि हम फाइनल खेले 14 साल बाद, इतना 3 साल की मेहनत करी है उसके बाद फाइनल में पहुँचे, अगर जीतते तो और खुशी होती। बट आई वॉज देयर कि आई एंजॉयड दैट मोमेंट कि मुझे स्पेशली बुलाया गया, मैनेजमेंट ने बुलाया कि आप टीम के पार्ट हो और फाइनल में आओ, तो गया। आई मिस इट बट आई रियली एंजॉयड इट कि वी रीच फाइनल। लेट्स सी कि इस साल क्या होता है, अभी प्रिपरेशन और सब कुछ अच्छा चल रहा है। ग्रेट, चलिए देखते हैं आगे और क्या है। बाकी मुझे भाई ये जो सारे इलस्ट्रेशन हैं ये सब एक आर्टिस्ट ने हाथ से बनाई हुई है, दो दो तीन तीन दिन लगे हैं खेत को। सर मैं एक्चुअली बहुत ही अच्छी अच्छी फोटो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने पर्सनली बोला है कि मुझे भी एक ऐसे टीम का पूरा पोर्ट्रेट बना के दिया जाए जिससे कि मैं अपने घर पर लगाऊंगा, तो मतलब बहुत रियल लग रहा है मुझे। मतलब यहाँ से जब भी जाते हैं देखते हैं तो मतलब काफ़ी अच्छी मोटिवेशन होती है, सबकी फ़ोटो लगी हैं, अपने आपको देखकर कि दिल्ली कैपिटल्स के बहुत बड़े पार्ट था और वो चीज़ दिखाई देती है पूरे इस कॉरिडोर में। आप देखोगे तो आगे तक पूरी पिक्चरें लगी हुई हैं सबकी, तो अपने आप को देख के बहुत अच्छा मोटिवेशन होता है। और सबसे अच्छी बात है बहुत रियल इफेक्ट दिया गया, मतलब अच्छा लगता है कि एक दिल्ली के पार्ट और टीम के मेंबर होते हो तो आपको कहीं लगी हुई फ़ोटो तो एक खुद को एक मोटिवेशन होती है। मतलब मैं लड़कों से भी बात की, सबको ही लग रहा था कि नहीं बहुत अच्छा करा है मैनेजमेंट और देख के बहुत अच्छा लगता है। और एक चीज़ मिशी भाई हमने हमेशा फोकस की है कि हम कोई 2-4-5 प्लेयर पे फोकस ना करें, हमारी टीम का हर मेंबर इक्वली इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो कभी भी हमारे आप क्रिएटर्स कुछ देखोगे तो आपको देखेगा हर बंदे को हमने फीचर किया हुआ है। यही सबसे अच्छी बात है दिल्ली कैपिटल की, सबको एक जैसे ट्रीट करते हैं और आपको देखने को भी मिलेगा। देखो सारे प्लेयर्स चाहे वो बड़ा हो, बड़ा नाम हो, छोटा नाम हो, कोई यंगस्टर्स भी हो, तो उसकी फोटोआ यहाँ पे लगी हुई है पूरे इस कॉरिडोर में। आप जब भी वॉक करोगे या जब कोई बाहर से तो कोई आ नहीं सकता, लेकिन टीम के जो भी हमारे को सर्व कर रहे हैं सब कुछ, एटलीस्ट उसको पता होता है कि ये प्लेयर हमारी टीम का प्लेयर है। अगर वो यंग भी है, ज़्यादा लोग जानते भी नहीं हैं, बट जब यहाँ पर फोटो लगी होती है तो उसके बारे में पूछा जाता है कौन है क्या है, तो खुद को एक अच्छा महसूस होता है कि यार मेरे को एटलीस्ट मेरे बारे में लोग पूछ रहे हैं, मुझे जानते हैं, मुझे मेरी फ़ोटो लगी है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है दिल्ली कैपिटल के लिए, सबको एक जैसा ट्रीट किया जाता है यहाँ पे और वो एक सक्सेस का मंत्रा भी होता है। मुझे लगता है किसी को भी ये नहीं लगता कि मैं टीम से अलग हूँ या क्या हूँ, सबको लगता है मैं टीम का पार्टी हूँ। तो एक यहाँ पे कॉरिडोर में आप देखेंगे सबकी फ़ोटो लगी है, चाहे वो यंगस्टर्स हो, कोई बहुत बड़ा नाम हो या बहुत ऐसा प्लेयर हो, सबकी फ़ोटोज यहाँ पे लगी हुई हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी निगलेक्टेड हुआ या हम उसको एक जैसा ट्रीट नहीं कर रहे, ये बहुत अच्छी चीज़ है। भाई इसमें आगे थोड़ा और टनल में देखते हैं जहाँ से आप मैच के लिए। अब आज जैसे कि मैं बोल रहा था कि मैंने हमारा एक प्लेयर है ये जस्ट डोमेस्टिक में उन्होंने अच्छा करा है, उनकी फ़ोटो भी इतने बड़े बड़े प्लेयरों के सामने लगी हुई है जो इंडिया खेल रहे हैं, ये हो गए ललित हो गए, ये सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको आप कहोगे कि शायद कुछ लोग नाम भी नहीं जानते होंगे, लेकिन यहाँ पे कॉरिडोर में उनका फ़ोटो लगा हुआ है, तो ये देख के उनको भी खुद को बहुत अच्छा प्राउड फील होता है। हमारी टीम के लिए एंट्री यहाँ से है और यही से हम जाते हैं, जो बायो बबल हमने बनाया गया है हमारे लिए बनाया गया है बीसीसीआई के थ्रू, यही एक जगह है जहाँ से हम रोज आते जाते हैं प्रैक्टिस के लिए, मैच के लिए। और ये सबसे बड़ी मोटिवेशन जो मुझे लगती है कि हम लास्ट ईयर फाइनल खेले, इसको देख के मुझे लगता है पूरी टीम में एक अलग सी ऊर्जा आती है और बहुत अच्छा फील होता है कि वापस इस जगह पर हमें रहना है। तो उसके लिए लोग सारे एफर्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और टच वुड की सब कुछ अच्छा चल रहा है अभी तक, तो ये एक मोटिवेशन वाला एरिया है हमारा जहाँ से हम रोज गुजरते हैं। फिर यहाँ पे हमारे अजिंक्य रहने जी हैं, हमारे नए कैप्टन मिस्टर ऋषभ पंत, तो ये सब चीज़ें देख के एक खुद को एक मोटिवेशन मिलती है कि नहीं और इवन कि आप देखा जाए तो हमारे जो कोचेज़ हैं, कोचेज़ को भी पूरा ध्यान रख के बनाया गया कि उनको भी कभी भी ऐसे फील ना हो कि वो सिर्फ कोच है लेकिन वो टीम के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे जगह दी गई है पूरी टीम। तो देखिए होप्स परवीन आमरे सर, इन चीज़ों को देख के सबको अच्छा लगता है, हमारे जगदीप उपना साहब, और ये एक जो मुझे पर्सनली देख के बहुत अच्छा लगता है कि मैं यहाँ से आता हूँ तो मैं सबसे पहले मैं ही देखता हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद हमारे जो
प्लेयर्स हैं, मतलब इंडियन प्लेयर जो इतने सालों से अच्छा कर रहे टीम के लिए, ये सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरे लिए तो है कि अभी तक जितने भी हमारे देखो यंगस्टर बीच वाले प्लेयर, दो यंगस्टर हैं ईशान शर्मा है, मैं हूँ, तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन किया है बनाया गया कि यंगस्टर्स को लेके और थोड़े मिडिल एज के लिए लेके और थोड़े जो सीनियर्स हैं उन सबका एक मिक्सचर यहाँ पे दिखाया गया है कि ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए फैमिली की तरह बनाया गया है, ऐसा पिक्चर में पोर्ट्रेट किया गया है, सबको साथ में है। और एक हमारे फैंस दिल्ली में जो हमारे फैंस हैं उनके लिए वापस से एक बहुत बड़ा फोटो लगाया गया है यहाँ पे कि इनको देख के हमें मोटिवेशन मिलती है कि खाली हम लोग नहीं, हमारे साथ भी इतने सारे लोग जुड़े हैं, हमें प्यार करते हैं, हमें चाहते हैं कि हम जीते, उनके लिए एफर्ट करना हमारे लिए है, तो एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है जब भी हम यहाँ से गुजरते हैं। और जिस तरह के मैंने बोला कि इसका इस फोटो का मोटिव क्या था, और यहाँ से फिर हम निकलते हैं बाहर, फिर हमारी जो दिल्ली कैपिटल्स की बसेस सीधा यहाँ मिलती है, ये एक बैक डोर टाइप है, यहाँ से हम सीधा अपने बस में बैठ के निकल जाते हैं। तो यही है हमारा एक कॉरिडोर था जिससे कि हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है पूरी टीम को। जिस तरह से मैंने कहा कि एक दिल्ली टीम, नॉट इवन की कोचिज प्लेयर्स, इवन जो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं मीडिया के या सोशल मीडिया के, सब लोगों को साथ लेके चलती है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सब लोग एक फैमिली की तरह रहते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, चाहे हम जीते चाहे हारें।